So yeah, welcome all to the next class of our science course. तो अभी हम लोग जो last class का थोड़ा सा recap करते हैं और just 5 minutes में, और उसके बाद जो है हम फिर आगे जाएंगे. Okay? तो last class we started out with the map and I tried to cover up to speed, right? Velocity तक हमने try किया था cover करने and I have given some of the questions regarding that. It's not a problem. So far I have received answers from Sharavri and she has completed up to area successfully. तो जैसे जैसे आप भी submit करते जाओगे, so जैसे जैसे सब आप भी answer submit करते जाओगे तो ये मैप में आप लोग भी आगे बढ़ पाओगे. सबका अपना अपना मैप है, कोई रेस नहीं लग रहा है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आप ट्राई करो कि जितना जल्दी आप मैप में आगे बढ़ सको. ठीक है, सो टुडे व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन इज रिलेशनशिप बिटवीन वेरी फ्यू यूनिट्स ऑफ विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस एंड दैट इज रिलेटेड टू अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कि व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द लॉस ऑफ मोशन, राइट. हम उसके बारे में आज हम पढ़ने आगे जाएंगे कि कोई भी मूवमेंट होता है वो क्या होता है और उसके पीछे के लॉस क्या होते हैं. तो फॉर दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूनिट्स, सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इज लेंथ. ओके, कोई भी मूवमेंट होगा वो हमें एक तरह से डिस्टेंस के टर्म्स पे ही पता चलेगा, तो ये डिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट यूनिट है उसके लिए. फिर जो सेकेंड इम्पोर्टेंट यूनिट है वो टाइम है, राइट. टाइम एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, फिर वेलोसिटी एक इम्पोर्टेंट यूनिट है और एक्सेलरेशन एक इम्पोर्टेंट यूनिट है. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज टू कवर, वी विल स्टार्ट अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलरेशन. ओके, सो जब ये चारों यूनिट सबसे मेन है अभी ये वाले चैप्टर के लिए, बट ऑल दिस मूवमेंट्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मैसिव पार्टिकल्स, तो तब जाकर के हमें पता चलेगा कि ये फोर्स क्या होता है, which is mass into acceleration. So we will get an overview of all these things, right? Just like overview मिलेगा ये सारे हैं क्या करके. और ये जो आप sides में देख रहे हो, जैसे कि for speed and velocity there is angular velocity, for length there is angular displacement, okay, for mass there is moment of inertia, for acceleration there is angular acceleration, for momentum there is angular momentum, and for force there is torque. तो ये जो हमारा जो सेंट्रल सारे जो यूनिट्स हैं वो सब लीनियर मूवमेंट के हैं, यानी एक सीधी रेखा में जो मूवमेंट है उसके बारे में है. और ये बाकी जो हमारे जो साइड के यूनिट्स हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टॉर्क, ये सारे जो है वो सर्कुलर मूवमेंट्स के बारे में वो बताता है. ओके, सो एक बेसिक्स हम आई होप कि बाई टुमारो ऑल द आंसर्स फॉर दीस अप टू मास एंड डेंसिटी वी विल गेट, सो दैट वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट. So, just a second. So, first let us today focus on what is speed and what is velocity. ठीक है, तो again we will take one example. Suppose the road is a bit topsy turvy and you are starting from here and you are ending here, right? So if the total distance of the entire road is around 10 kilometer, okay, total distance is 10 kilometer,
ओके एंड सपोज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ओके सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज से 7 kilometers fine and the time taken to start from here to finish here time taken let's say it is 30 minutes okay so can you please in the chat tell me what is the speed okay and what is velocity okay so let me just rotate it and assume that let us assume that this is a straight line or let me just change the question a bit okay and it is starting from this point and ending at this point okay so that you almost let us assume that this is almost a straight like it is almost a flat line okay let me just make it thicker so that comes clear okay and so if we have to calculate the speed and velocity so what do we get So we are getting the answer. So is it 20 meter per second or can you see the units again? What is the unit of distance and time there? What is the complete answer, please? Hello? Yeah, so the right answer is the right answer we got. Okay, that is 20 kilometer per hour. What about velocity? You can take the directions as east, west, north, and south. Okay, because velocity, जब भी हमें बताना होगा और जब भी आप डिस्प्लेसमेंट भी बताओगे ठीक है तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ उसके डायरेक्शन भी बताना जरूरी है ठीक है आप मान सकते हो कि मैप में वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है तो जब भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो यू कैन यू हैव टू टेल वेदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ ओके Okay, so let me again share the screen. So now can you tell कि अभी मान लो कि ये east west ये direction अपना east है, ठीक है? Clear. Okay. So what would be the velocity? In kilometers per hour. ये तो और इजी होना चाहिए ना आपने इसका आंसर ढूंढ लिया करेक्ट और आपने ढूंढा इट इज 20 किलोमीटर्स पर आवर राइट स्पीड का आंसर आपने सही ढूंढा है ये 20 किलोमीटर्स पर आवर है तो वेलोसिटी का क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है 7 किलोमीटर ही हो रहा है कवर
यानी कि आपने जितना ऊपर गए उतना नीचे आके यहाँ पे कैंसिल हो गया। इस डायरेक्शन में आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में जो ऊपर गए जो नीचे गए वो कैंसिल हो गया है, तो फाइनली इफेक्टिवली आप केवल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में है। ओके, एक एस्टिमेट के लिए कि हम मान रहे हैं कि ये ईस्ट के डायरेक्शन में, तो इस ईस्ट के डायरेक्शन में उसकी ओवरऑल वेलोसिटी कितनी है, क्या होगा आंसर? किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, सो 14 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन ईस्ट। ईस्ट, दैट इज अ कंप्लीट आंसर। वेरी गुड, ओके, सो संदेश इज आल्सो आंसर्ड। सो टोटल द आंसर इज 14 किलोमीटर पर आवर। इट इज 14 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ओके, तो ये चीज आपको जरूर याद रखना है कि जब भी कुछ वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं तो आपको डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बताना जरूरी है। ठीक है, सो विद दैट जस्ट एक स्मॉल छोटा सा ये एक्सरसाइज था। ओके, तो इसी के साथ अभी हम लोग आपके टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, So I just wanted to So now we will go to your standard 9 textbook, right? अभी थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होना कि finally किताब खुल गया है। Okay, तो हम लोग अभी syllabus भी cover करने वाले हैं। तो अभी आपने अभी आप syllabus देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले class में ही हमने काफी सारी चीजें हमने इसके बारे में already देख चुके हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट द सिलेबस। तो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉस ऑफ मोशन। ओके, तो आई जस्ट रीड अक्रॉस। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन यू सेंस मोशन एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोशन। सो दीज आर ऑल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अ फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, तो और स्टेशनरी ट्रेन, leaves flying through air, or a stone lying on a hill. Okay, so what we see here ki there are certain things which are considered stationary. Okay, right, but they are stationary with respect to you. Okay, so if you want ki ye train bhi aapko chahiye ki ye move hota hua dikhe bhale wo stationary hai, to aap maan lo ki aap planet se upar aa gaye, तो जैसे जैसे धरती घूमेगा तो वो ट्रेन भी घूमता हुआ नजर आएगा, वो पहाड़ भी घूमता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी चीज स्टेशनरी है कि मूव हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप रिलेटिवली आप उसके कहाँ पे हो। ठीक है, तो एवरी मोशन इज रिलेटिव। यानी ट्रेन, अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में बाकी जो बैठे हैं वो आपके हिसाब से मूव नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म में बैठे हो तो ट्रेन में जो लोग हैं मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक उसके हिसाब से ही हम लोग कह सकते हैं कि कोई मूवमेंट है कि नहीं। ठीक है, सो उसी के बारे में आगे कंटिन्यू किया है कि यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन नेक्स्ट टू यू इन मोशन, वी कांट सी देम इन मोशन, राइट, हम भी उसी स्पीड में मूव हो रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू टेक इन कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट। सो वी नो दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि डिपेंड्स कि आप कहाँ हो और कहाँ से देख रहे हो उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कि अगर उसके आसपास के चीजें के मुकाबले अगर उसमें मूवमेंट है तो वो एक मोशन में है, वरना वो रेस्ट में है। ठीक है,
तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में काफी कवर किया, तो टेक्स्ट बुक में भी वही है। तो जैसे आप मान लीजिए आप शीतल और प्रशांत का घर है और यहाँ से संगीता का घर है, फिर स्कूल है। पहला एक पाथ ये था कि जिन्होंने इन दोनों ने मिलके पहले संगीता के घर गए 500 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर 1200 मीटर ऊपर के डायरेक्शन में स्कूल चले गए, ठीक है। और दूसरा एक केस था जिसमें शीतल और प्रशांत सीधे अपने स्कूल चले गए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पहले केस में टोटल और सेकेंड केस में दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, क्योंकि वो फाइनली यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। इज इट क्लियर कि दोनों केस अगर हम वो घूम के जाएंगे या सीधे जाएंगे, फाइनली तो उनको स्कूल ही पहुंचना है, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में उनका डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन जब वो घूम के जाते हैं तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि जब फर्स्ट सेकेंड केस में उनका डिस्टेंस कितना हुआ, 500 प्लस 1200 दैट इज 1700 मीटर्स, और जब वो सीधे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1300 मीटर्स। ओके, तो सपोज उनकी स्पीड दोनों की सेम है तो फिर कौन पहले पहुंचेगा, ऑब्वियसली जो सीधे जा रहा है ना, स्पीड अगर सेम होगा तो। ओके, सो यस्टरडे ऑल्सो वी सॉ वन एग्जाम्पल, है ना, कि सपोज एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड, मान लो एक मैदान है उसके वो रेडियस 100 मीटर्स है, उसके वो सर्कल में जा रही है, एंड इफ ही स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ए एंड टेक्स वन राउंड, तो हाउ मच डिस्टेंस शी हैज कवर्ड एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो कैन यू सॉल्व दिस, आई विल जस्ट टेक अ पॉज। कैन यू प्लीज रिपीट द आंसर, why displacement is zero? Because the nearest place from start is nothing. She came to the same place where she was started. Very good. So the right answer is that displacement is zero. Because जहाँ से उसने शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया. तो right answer Tejasri. So and can you calculate the distance? I think so, 314. 628 meters. Yeah, so guess what is that? You have the formula for 2 pi r, right? Yes. So 2 into pi, that is 3.14 into radius of 100 meters. So yes, the right answer distance should be 628. 628 meters. So Sharavri got it half right, right? So that is right answer is 628 meters. Okay? Right, so let us continue. And the displacement is zero. Okay? So again the same question. If a car is starting from point P, goes to point Q, and then returns to point P, how much distance it has traveled and what is the displacement? Again, the displacement will be zero. Zero. Very zero. Good. Displacement will be zero. And distance kitna hoga abhi is bar? 720. Very good. So displacement will be 720. So 360 idhar aur wapas 360 wapas aage. Okay. So even if the displacement of the object is zero, ठीक है, द एक्चुअल